अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहरान याकूब बैटरी सर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मेहरान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इस विंडो 10 का जो आपको लेआउट नज़र आ रहा है, इसको आप इस तरह मैक सिस्टम में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, आपको कुछ जो है वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी और इस तरीके से आपका ये वाला बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जी तो फ्रेंड्स, मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। सबसे पहले मैंने एक यहाँ वॉलपेपर डाउनलोड किया है विंडोज़ मैक सिस्टम के मतलब लेआउट के लिए ये वाला। तो मैं सबसे पहले इसे जो है वो सेट कर देता हूँ अपने बैकग्राउंड पे। और दूसरे नंबर पे हमने काम क्या करना है, हमने अपने टास्क बार को टॉप पे ले जाना है। टॉप पे ले जाने के लिए हमें यहाँ बॉटम से जो है वो टॉप कर देना है। उसके बाद ये जो हमारे आइकन हैं, इसे हम व्यू में डेस्कटॉप आइकन शो जो है वो ऑफ कर देते हैं। उसके बाद हमने अपने ब्राउज़ में जाना। ब्राउज़ में जाने के बाद हम यहाँ लिखेंगे विनस्टेप नेक्सस की वेबसाइट पे हम जाएंगे। तो वहाँ से हम विंडोज़ के लिए जो है वो डॉक सिस्टम जो है वो डाउनलोड करेंगे। यहाँ जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ विनस्टेप नेक्सस फ्री में है, तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तकरीबन 37 MB का ये हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। हमारी डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है, हम इसको फोल्डर में ओपन कर लेते हैं। यहाँ से इसे डेस्कटॉप पे ले आते हैं। इसे मैं यहाँ एक्सट्रैक्ट करता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। जी तो ये देखें, हमारा 90% जो है वो काम हो चुका है। मैं इसको जो है वो नीचे शो कर देता हूँ स्क्रीन पोजीशन में। मैं इसे बॉटम कर देता हूँ, ये रहा। उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करके तो मैं इसकी सेटिंग ओपन करता हूँ। थीम में विंडोज़ 10 NX आपने सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ जो भी आइकन चाहिए वो आप रख लें। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से मैं इस क्लॉक को जो है वो एनालॉग या डिजिटल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको एनालॉग भी कर सकता हूँ और डिजिटल भी कर सकता हूँ। यहाँ से ये देखिए डिजिटल हो गया। तो मुझे स्टार्ट मेन्यू भी चाहिए, ये नेक्सस का है। नेक्सस का लोगो मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। तो उसके अलावा मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ कोई भी आइकन जो है वो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। मैं दोबारा से अपने डेस्कटॉप आइकन को रिमूव कर देता हूँ। तो जी ये देखें, वाओ इट्स अमेजिंग यार। तो देख लें, काफ़ी अच्छी लुक है, तो आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये ओपन कर लेता हूँ। ये देखें सेम वही चीज़ है। मैं यहाँ से कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर लूँ या मैं स्टार्ट के ऊपर दबाता हूँ तो ये आपके पास ऐसे एक ओपन हो जाएगा। VLC ओपन कर लें, ये आपका रिसाइकल बिन है, कैलेंडर है, गूगल क्रोम है, आपका स्क्रीन रिकॉर्डर है, कैमरा है, जो भी है आप इसी तरह जो है वो किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं।
आज की वीडियो में सिंपल यही तरीका था, चंद स्टेप थे, आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपका भी बेहतरीन काम हो जाएगा जी। तो मैंने आपको विंडो 10 की इस स्क्रीन से ये वाली स्क्रीन बनाना सिखा दिया, जैसा कि आप मेरे डेस्कटॉप पे भी देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरती जो है वो नज़र आ रही है। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको 1% भी मेरी वीडियो से समझ आई है तो फिर तो सब्सक्राइब बनता है, और लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक और नए दिन आपके साथ हाज़िर होंगे। आज मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।